मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड क्या है ये, क्यों है ये और बहुत लोगों को समझ में क्यों नहीं आते, जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव और मैं हूं दिवेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रूपे कार्ड के ऊपर। और भी कार्ड्स वगैरह हैं, और भी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली जो तीन है ये इंपॉर्टेंट हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रूपे कार्ड। आपने इन्हीं का नाम सुना होगा ज़्यादातर, और यही आजकल चलते भी हैं। आजकल अपने इंडिया में जो भी कार्ड्स आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर इन्हीं तीन प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीजा और मास्टर कार्ड की, ये दोनों क्या होते हैं। तो देखिए, वीजा और मास्टर कार्ड जो है वो एक तरह के गेटवे हैं, जैसे रुपए है वो भी गेटवे ही है, वैसे तीनों गेटवे के अंदर ही आते हैं। गेटवे का मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक मीडिएटर हैं, मतलब बिचौलिया हैं, मिडिल में काम करते हैं, दो बैंकों के बीच में काम करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप जैसे शॉपिंग करते हैं अमेजन वगैरह पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, जहाँ भी आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई भी आप शॉपिंग करते हैं, तो जैसे आपकी बैंक SBI है, तो जरूरी नहीं कि जो अमेजोन वाले हैं या फ्लिपकार्ट वाले हैं उन्होंने भी SBI वहीं अपना अकाउंट खोल रखा हो। तो आप अपने कार्ड से पैसे देंगे तो उनके अकाउंट में कैसे जाएंगे, उनके पास HDFC है, आपके पास SBI है, तो आप कैसे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो बीच में जो मीडिएटर होता है वो ये तीनों जो कार्ड हैं वो काम करते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड और रुपये जो हैं वो बीच में अपना कमीशन लेते हैं। मतलब आप अपने SBI से पैसे देते हैं वीजा कार्ड को, वीजा अपना कुछ परसेंटेज लेके वो दे देता है HDFC में, अमेजन के जो अकाउंट है उसमें। ऐसे ये जो काम होते हैं बेसिकली, मास्टर कार्ड और जो वीजा कार्ड है ये दोनों ही कंपनी जो है बाहर की हैं, ये एक तरह बीच में मीडिएटर काम करते हैं। पर जो रुपे कार्ड है वो इंडिया का है, वो इंडिया की गवर्नमेंट ने खुद लॉन्च किया है, क्योंकि जो बहुत सारा मार्केट था इंडिया में, बहुत ज़्यादा मार्केट वीजा और मास्टर कार्ड का है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का कुछ लॉन्च किया जाए, खुद का कुछ इंडिया में लाया जाए। तो उन्होंने रुपे कार्ड जो है वो इंडिया में फिर लॉन्च किया। और रुपे कार्ड के अंदर आपको कई फायदे मिल जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, रुपे कार्ड जो है आप इंडिया का है तो उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन फी होती है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 2000 रुपये का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 2000 रुपये किसी के अकाउंट में डाल रहे हैं या फिर 2000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो वीजा कार्ड है और मास्टर कार्ड है उस पर जो वो पैसे लेंगे, वो अपना जो कमीशन लेंगे वो 3.25 पैसे के करीब वो लेंगे, मतलब 3.25 रुपये कम से कम लेंगे वो आपसे। पर अगर इसी की अगर हम रुपे कार्ड में करते हैं इसी ट्रांजैक्शन को, तो रुपे कार्ड में आपको सिर्फ 2.5 रुपये जो है वो देने होंगे। तो मतलब 1 रुपये का आपको लगभग 1.5 रुपये का जो भी है वो फायदा हो जाता है ट्रांजैक्शन में। तो ऐसा मतलब इसमें रहता है। अब ये इंडिया का है तो इसमें और भी कुछ फायदे हैं, आपको कैशबैक वगैरह मिल जाता है, क्योंकि ये कार्ड अभी नया है रुपे कार्ड, तो इंडिया जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इसको क्या कहते हैं अभी प्रमोट करने के लिए आपको बहुत सारे कैशबैक ऑफर दे रही है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल डलवाते हैं रुपे कार्ड से, तो आपको कुछ कैशबैक मिल जाता है। और वो बेसिकली हो कैसे पाता है, अब देखिए वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या है, बैंक को पे करना होता है वीजा और मास्टर कार्ड लेने के लिए। वीजा और मास्टर कार्ड को बैंक पे करती है, उसके बाद वो आपको अप्लाई करके एक कार्ड देती है वीजा और मास्टर कार्ड का। पर रुपे कार्ड के लिए बैंक को कुछ भी नहीं पे करना होता है, वो फ्री में बन जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने वो फ्री बनाया है इंडिया के लोगों के लिए। तो उसमें आपको कैशबैक मिल जाता है, इस वजह से आपको जो बैंक्स हैं उनका मार्जिन बढ़ जाता है और वो आपको कैशबैक दे पाती है। अब आप देख लीजिए, पेटीएम में भी आपको रुपे कार्ड मिलेगा, जिसमें आप ऑफर, आप वैसे ऐड तो सारे कार्ड कर सकते हैं मास्टर वीजा, पर अगर आप चाहते हैं कि पेटीएम के वॉलेट में आपको कुछ ऑफर्स वगैरह मिल जाएं, कि आप जैसे उसमें 2000 रुपये ऐड करें पेटीएम अकाउंट में और आपको 2500 मिल जाएं, या फिर उसमें आपको 200 रुपये और मिल जाएं, तो ऐसे कुछ ऑफर्स आते रहते हैं पेटीएम में, वो सिर्फ रुपे कार्ड पे आते हैं। आप देखना उसमें रुपे कार्ड का जो ऑप्शन आएगा, जो ऐसे कुछ ऑफर्स जो अगर आते हैं, तो रुपे कार्ड बहुत जगह बहुत ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। पर रुपे कार्ड का कुछ मतलब एक समझ लीजिए उसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि बाहर जो है इंटरनेशनली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप ज्यादातर नहीं कर पाएंगे, वो कुछ ही लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ जगहों पे ही आप कर पाएंगे रुपे कार्ड से, पर ज्यादातर इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है उससे वो नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको वीजा और मास्टर कार्ड ही यूज करना होगा। पर इंडिया के अंदर वैसे आप देखा जाए, ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, बाहर बहुत कम, कम से कम 90% लोग इंडिया के अंदर ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो 10% है वो इंडिया से बाहर करते हैं। तो 90% लोगों के लिए तो फायदा ही है कि वो इंडिया का रुपे कार्ड लें और आपको कैशबैक भी मिलेगा और जो ट्रांजैक्शन फी है वो भी कम लगेगी।
तो गाइस इसको अप्लाई कैसे करें आप ये जान लीजिए। अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास जो वीजा मास्टर कार्ड का जो कार्ड है आप उसको सरेंडर कर दीजिए अपने बैंक में और वहां से आप नया कार्ड रुपे कार्ड बनवा लीजिए, या फिर आप एक नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने एक जनधन योजना जब चलाई थी उसमें जो अकाउंट्स खुले थे उन अकाउंट्स के साथ जो भी कार्ड मिल रहा था वो सारे कार्ड रुपे कार्ड थे, क्योंकि रुपे कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट था तो बैंक्स उसको दे रही थी सबको। और उससे एक फायदा क्या हुआ कि हर एक आदमी को एक रुपे कार्ड मतलब एक डेबिट कार्ड मिल पाया। बेसिकली जो क्या है, एक एटीएम कार्ड और ये जो रुपे और वीजा और मास्टर कार्ड में फर्क क्या है कि एटीएम कार्ड से आप नॉर्मली सिर्फ एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, पर अगर उस पर रुपे कार्ड और वो वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड है तो उससे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं डेबिट कार्ड वाली, मतलब वो डेबिट कार्ड बन जाता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को और आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली वो कैसे काम करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। तो अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड और वीजा कार्ड में क्या फ़र्क है। रुपे कार्ड जो है वो इंडिया का है, मास्टर कार्ड वीजा कार्ड बाहर का है, और रुपे कार्ड इंडिया वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है, ट्रांजेक्शन फी कम लगती है, और मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में ज़्यादा फी लगती है। पर इंटरनेशनली देखा जाए तो रुपे कार्ड जो है वो काम इतना नहीं करता है, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड करते हैं। तो ये मतलब दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के ही हैं, बाकी आपकी मर्जी है कि आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, और कुछ टेक्निकल वीडियोस मोबाइल्स वगैरह के ऊपर मैं बनाता रहता हूं, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वगैरह करता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। सपोर्टर्स इंडिया, थैंक यू।